हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड आई एम श्योर कि आपने अपनी लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक बार तो ये मिथ जरूर सुना होगा कि नासा में काम करने वाले ज्यादातर एम्प्लॉयज इंडियन हैं। पर क्या आपको बताया, नासा या किसी भी अमेरिकन स्पेस एजेंसी में इंडियन सिटीजंस एक्चुअली में अलाउड ही नहीं है। बट वेट, हमने तो सुना है कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजाचारी, ये सारे इंडियंस हैं। इनफैक्ट कल्पना चावला का तो जन्म भी इंडिया के हरियाणा स्टेट में हुआ था। गौरव, तुमने ही तो इस पर एक वीडियो बनाया। तो क्या इनको नासा या यूएस गवर्नमेंट ने जानबूझकर अपनी तरफ खींचा ताकि वो खुद के स्पेस एजेंसी यानी इसरो को सफल बनाने में मदद ना कर सके? वेल, ऐसा पॉसिबल है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड एनर्जी के लिए काम कर चुके साइंटिस्ट डॉक्टर स्टीवर्ट नोजेट को 2009 में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो इसरो के चंद्रयान 1 मिशन से संबंधित खुफिया जानकारी लीक कराने की कोशिश कर रहा था। तो क्या इसरो भी अपने साइंटिस्टों को हायर करने से पहले कुछ क्राइटेरियाज सेट करता है या बस ऐसे ही किसी को भी हायर कर लेता है? वेल, इन्हीं सारे सवालों पर एक वैल्यूएबल डिस्कशन छेड़ने के लिए मैं लेके आया हूं आज का ये वंडरफुल एपिसोड, जिसका टाइटल है हाउ डज नासा एंड इसरो हायर देयर साइंटिस्ट्स। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम दुनिया के टॉप 10 स्पेस एजेंसीज में शुमार है। लेकिन क्या आपको बताया कि कई सालों से इंडिया के बाकी टॉप कंपनीज की तरह इसरो पर भी ये इल्जाम लगता आ रहा है कि ये सिर्फ IIT और NIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को ही हायर करते हैं और बाकियों को इग्नोर कर देते हैं। पर इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है? वेल, इसे जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसरो अपने साइंटिस्टों को आखिर चूज कैसे करता है। और ये सवाल मेरे काफी सब्सक्राइबर्स में से पूछते भी रहते हैं कि इसरो में सिलेक्ट कैसे होते हैं या इसरो में साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। और इस वीडियो में बेसिकली मैं इसी क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। तो देखो, इसरो का सबसे पहले तो अलग अलग एजुकेशनल लेवल्स के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स होता है। यानी जो 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग, जो ग्रेजुएट है उनके लिए अलग, और जो पोस्ट ग्रेजुएट या PhD कैंडिडेट्स है उनके लिए अलग। बस एक चीज जो ऑलमोस्ट इन सभी के लिए कॉमन होती है वो है सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड CRB का एग्जाम। नाउ नोटिस द कीवर्ड ऑलमोस्ट ओवर हियर, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट और PhD कैंडिडेट्स को ये एग्जाम देना पड़ता है। ये इसरो के डिस्क्रेशन पर है, यानी इसरो की खुद की मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड ऑल्सो कि उस कैंडिडेट को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त स्कोर कैसे मिले थे। अगर उसके मार्क्स कंसिस्टेंटली अच्छे हुए तो उसे इंटरव्यू राउंड के लिए सीधा बुला लिया जाता है, जिसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है। फेयर इनफ, राइट? ना आपको इस जॉब के लिए किसी के पैर पड़ने की जरूरत है और ना ही किसी को पैसे खिलाने की। प्रॉब्ली ये शायद इंडिया का इकलौता ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा जिसमें जॉब के लिए आपको बस हायर कैलिबर की जरूरत पड़ती है और किसी के बैकिंग की नहीं। पर इंटरेस्टिंगली, क्या आपको पता है आज के समय में एक ऐसी ही वेबसाइट है जो इसरो की ही तरह आपको आपके कैलिबर के बेसिस पर जॉब दिलाती है? जी हाँ, ये है relevel.com, जो वैसे तो एक जॉब सर्चिंग वेबसाइट है, लेकिन इन्होंने जॉब ढूंढ रहे लोगों की सबसे बेसिक प्रॉब्लम को ही समझकर उसका एक रामबाण सोल्यूशन निकाल लिया है। जहाँ बाकी वेबसाइट्स पर लिस्टेड कंपनीज आपके सामने अलग अलग कंडीशंस रखती है कि 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रीवियस CTC इतना होना चाहिए, तुम्हारा स्पेशलाइजेशन इस फील्ड में होना चाहिए, इस वेबसाइट पर 18 साल के ऊपर का कोई भी इंसान जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसे रिक्रूट करते हैं इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स जैसे कि क्रेड, अपग्रेड, रेजर पे, यात्रा, मीशो, कू, yellow.io एटसेट्रा। ये कंपनीज अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ तो आपको 15 लाख रुपए पर एनम तक का भी ऑफर दे सकती है, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। आपको बस relevel.com पर साइन अप करना है, अपने पसंद का एक ऑनलाइन फ्री टेस्ट पास करो और फिर बस आराम से बैठकर इन कंपनीज द्वारा आपको कॉन्टैक्ट करने का इंतजार करो। जी हाँ, आपने सही सुना, आप उनको अप्रोच नहीं करोगे बल्कि वो आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि अगर इन टेस्ट में आपको 70% से ऊपर स्कोर मिलता है तो उतना ही काफी होता है आपको इन रिक्रूटर्स को अपना कैलिबर, अपना वैल्यू दिखाने के लिए। मिसाल के तौर पर यह है तनिष्क सिंह, जिन्होंने इसी साल ये टेस्ट दिया और 874 मार्क्स स्कोर किए, जिसके बदले में क्रेड ने उन्हें इमीडिएटली रिक्रूट कर लिया फॉर द रोल ऑफ बैकएंड इंजीनियर विद सैलरी पैकेज ऑफ 40 लाख पर एनम। और ये अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने हिसाब से टेस्ट शेड्यूल किया, टेस्ट में अच्छा स्कोर किया और आज इन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। मोरओवर, अगर आप बाय चांस इस टेस्ट में टॉप कर लो तो रीलेवल आपको इनाम के तौर पर मैकबुक या आईफोन जैसे गिफ्ट्स भी देता है। तो सोच क्या रहे हो, अभी जाओ और रजिस्टर करो रीलेवल पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पर खैर, वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ।
और जरा डिटेल में जानते हैं कि इसरो की डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज क्या है। तो देखो यार, इसरो अपने एम्प्लॉयज में ना परफेक्शन से कम कुछ नहीं एक्सेप्ट करता, और इसीलिए जो बचपन से ही इसरो में काम करने का सपना देखते आ रहे हैं ना, उन्हें कंपल्सरीली 10वीं के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेना ही पड़ता है। अगर किसी ने भी गलती से पीसीबी लिया तो मैथमेटिक्स ना लेने के कारण उनका सपना पहले से ही चकनाचूर हो जाएगा, और उन्हें चकने के साथ कोई साधारण सी पैथोलॉजी लैब की जॉब हजम करनी पड़ेगी, यानी बेसिकली एक साइड डिश जैसी जॉब। इसके अलावा जिन्होंने सब्जेक्ट्स ठीक से चुने भी है, उनके लिए भी आगे का सफर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसरो में काम करने के लिए आपके 12th ग्रेड के मार्क्स 75% से ज्यादा होने चाहिए, और अगर आपके 12th ग्रेड के मार्क्स 75% से ज्यादा नहीं हुए तो अगेन अपने सपने को कहो टाटा। जो वैसे तो इंडिया की टॉप कंपनी है, मगर इसरो के सामने तो चाय कंपनी है, पानी कम चाय है। खैर, 12वीं में फर्स्ट क्लास से पास होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जिसे पाने के दो तरीके होते हैं। या तो लाखों रुपए डालकर किसी भी एरे गेरे कॉलेज से बीटेक या बीई की डिग्री हासिल कर लो, या फिर IIT JEE एडवांस्ड का एग्जाम देकर उसके पहले 1000 स्टूडेंट्स में अपना नाम दर्ज करवा लो, और IIST में एडमिशन ले लो, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो टीचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक है, और JEE एडवांस के 1000 टॉपर्स को उनके डिग्री का पहला साल पूरी तरह से फ्री में सिखाता है। ऊपर से अगर आगे जाके 3 साल भी इन स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जहां अच्छा से मेरा मतलब है 9 CGPA out of 10, तब वो 3 साल भी फ्री हो जाएगा। यानी सिंपली कहूं तो कंसिस्टेंटली 90% से ऊपर बने रहना है, पूरी डिग्री मुफ्त में निकल जाएगी। Isn't that interesting for a bright student? Well, इससे भी ज्यादा interesting तो ये है कि इसरो भेदभाव नहीं करता। IIST से पढ़ने के बाद बहुतों को ऐसा लगता है कि आय हाय, अब तो हम ऑलमोस्ट इसरो के अंदर ही कदम रख चुके हैं, बस गेट पर नारियल फोड़ना बाकी है। पर ऐसा नहीं होता, हर बीटेक या बीई की डिग्री अर्न करने वाले को इसरो की CRB एग्जाम देनी पड़ती ही है, और फिर चाहे वो स्टूडेंट IIST से पढ़ा हो या किसी अन्य कॉलेज से, इस स्टेज पर उन्हें बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि उनके पास बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी BTech या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग BE की जगह बैचलर्स इन साइंस BSc की डिग्री हुई तो भाई CRB को भूल जाओ और चुपचाप MSc का रास्ता पकड़ लो, क्योंकि ये CRB एग्जाम वाला दरवाजा तो ऐसे लोगों के लिए यहीं पर बंद हो जाता है, क्योंकि लाखों के हिसाब से तो लोग BSc करते हैं, एक सर्वे के हिसाब से BCom से भी ज्यादा लोग BSc करते हैं। और याद है ना, इसरो को एवरेज लोग नहीं चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग चाहिए। हाँ, लेकिन उम्मीद हारने की जरूरत नहीं है, इसरो फ्रीक्वेंट बेसिस पर मास्टर्स डिग्री ग्रेजुएट्स और PhD ग्रेजुएट्स के लिए भी वैकेंसीज रिलीज करते रहता है इन द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड ऑल। तो CRB क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स या मास्टर्स और PhD वाले कैंडिडेट्स को बस इन आर्टिकल्स को फॉलो करते रहना है और इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनके इंटरव्यू के आधार पर फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया जाता है। सिंपल, इजंट इट? वेरी सिंपल। यू नो, नासा का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर तो इससे भी सिंपल है। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में सिंपल है। बस उसमें काम करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद 5 साल अमेरिका में मजदूरी करनी पड़ती है और फिर जाके नासा में नौकरी मिलती है। नहीं समझे भाई साहब, नासा सिर्फ और सिर्फ US सिटीजन को ही हायर करता है, तो अगर किसी इंडियन को नासा में काम करना है तो सबसे पहले तो उन्हें ऑफिशियली 5 सालों तक USA में रहना पड़ेगा, कोई जॉब करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद US सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर 40 से 45 years की उम्र में, जब उसके आगे के आधे बाल बायोलॉजिकल सेनेसेंस की वजह से उड़ चुके होंगे, तब जाकर फाइनली उसे नासा में काम करने का मौका मिलेगा। बट वेट, क्या इसका मतलब ये है कि अगर नासा में काम करना है तो अपने प्यारे देश की सिटीजनशिप को छोड़ना होगा? तो जवाब है, और कैपिटल और बोल्ड अक्षरों में, हाँ। क्योंकि देखो, किसी भी देश की स्पेस एजेंसी उस देश के डिफेंस एजेंसी से भी जुड़ी होती है, सिंस मिसाइल्स और रॉकेट्स ऑलमोस्ट सेम टू सेम प्रिंसिपल ही काम करते हैं। ऊपर से स्पेस एजेंसीज जो रडार और GPS सिस्टम्स लॉन्च करते हैं वो मेजरली डिफेंस फोर्सेस के लिए ही होते हैं, और यही वजह है कि कोई भी देश किसी और देश के नागरिक को ना अपने स्पेस एजेंसी में रिक्रूट करता है और ना ही बिना परमिशन अपने स्पेस सेंटर की फैसिलिटी में घुसने की अनुमति देता है। इसीलिए चंद्रयान 1 मिशन पर काम करने वाले US स्पाई साइंटिस्ट की भी खबर जब उड़ी थी, तब इसरो ने साफ कह दिया था कि हाँ, मिस्टर नॉजेट ने 2 बार हमारी बैंगलोर फैसिलिटी को विजिट जरूर किया था, लेकिन हम किसी भी फॉरेनर को जरूरत से ज्यादा एक्सेस नहीं देते।
और रही बात कल्पना चावला जैसे इंडियंस के नासा में काम करने की, तो कल्पना ने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए यूएस जाते ही 1983 में यूएस फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन से शादी कर ली थी, जिसके चलते उन्हें नेचुरली यूएस सिटीजनशिप मिल गई थी। सो टेक्निकली शी वॉज एन अमेरिकन सिटीजन वाइल वर्किंग इन नासा, नॉट इंडियन सिटीजन। एनीवेज कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, नासा में काम करने का एक फायदा जरूर है कि जब अपनी आधी जिंदगी वेस्ट करके आप नासा में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इसरो के सीआरबी एग्जाम जैसी कोई एग्जाम नहीं देनी पड़ती, क्योंकि अपेरेंटली अमेरिकन्स एग्जाम वगैरह में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। द ओनली थिंग दैट यू विल नीड इज योर टैलेंट और कुछ आधा डजन रिसर्च पेपर्स जो आपके नाम से पब्लिश हुए हो, वो भी ऐसे किसी एरे गेरे जर्नल में नहीं बल्कि एक रेप्यूटेड रिसर्च जर्नल में, है ना? बिल्कुल इसरो के प्रोसीजर जैसा ही, एकदम सिंपल। तो चलिए इसी सिंपलिसिटी को बरकरार रखते हुए मैं आपके लिए लाया हूँ एक और एक सिंपल सा सवाल। राकेश शर्मा अब तक के इकलौते ऐसे इंडियन सिटीजन है जो एज अ कॉस्मोनॉट एक फॉरेन कंट्री की मदद से स्पेस में गए थे, वो कंट्री कौन सी थी? जल्दी से लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अभी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि आगे आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल और क्यूरियोसिटी को बढ़ाने वाली वीडियोस आप कभी मिस ना कर सको और अपने ज्ञान को सदा बढ़ाते रह सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!